नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम ऐसी रहस्यमय कीचली के बारे में आपको बताने वाले हैं आप देख सकते हैं यह जो कीचली है किस तरह से सांप ने इसको छोड़ा है यहाँ पर और कैसे हम बताएंगे आपको दोस्तों आपसे एक विनती रिक्वेस्ट करूँगा मैं हमारे इस चैनल को लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हमारा वीडियो बनाने का मन और दिल करता है तो उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों आपके ख्याल में ये हो कि कोई दूसरा कर लेगा नहीं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस घड़े को पूरी तरह से भरना है दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है और उस घड़े में आपको एक बूंद का सहयोग जरूर देना है दोस्तों एक बूंद से आपकी से किसी भूखे को रोटी मिल सकती है आप लाल कलर का बटन दबा दीजिए बस आपका सहयोग यही है आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने उस घड़े में एक बूंद का संयोग जरूर किया होगा नमस्कार दोस्तों ये जो कैंचुली है बहुत ही डरावनी कैंचुली है हम जंगल से निकल रहे थे तो इस कैंचुली के ऊपर हमारी नज़र पड़ी और हमने अचानक से इसको देखा दोस्तों कोई भी यहाँ पर डर सकता है इस तरह से अगर किसी को कैंचुली दिखाई दे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना इसके रहस्य हम बताएंगे इसके फायदे क्या होते हैं वो भी बताएंगे और इसके टोटके जो होते हैं उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी मत काटिए दोस्तों हम बताते हैं इसके फायदे दोस्तों इसके जो टोटके हैं ना कितने सच हैं टोटके कितने गलत हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों इसके जो टोटके हैं वो कितने सच होते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए दोस्तों इसके जो फायदे हैं आयुर्वेद में भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके और जो घर के टोटके हैं वो भी हम बताएँगे दोस्तों शुरुआत हम करते हैं घर के टोटकों से जैसे कि आपको कहीं भी डर लगे या फिर कहीं बुरे बुरे सपने आए या फिर सांप आपको दिखाई देते हैं सपने में तो उसको आप अपने साथ रखने से बिल्कुल भी कोई आपको डर नहीं लगेगा ये घरेलू टोटके हैं ये लोग कहते हैं आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है और लोग कहते हैं कि अगर यह कैंचुली मिल जाए तो लोग लखपति या फिर करोड़पति माला माल हो जाते हैं तो भाई आप इसको कितना सहयोग देते हो कितना सहमत देते हो इससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों इसके जो फायदे हैं आयुर्वेद में वो बहुत गजब के हैं दोस्तों यह जो औषधि नहीं ये जड़ी बूटी है एक प्रकार की इसे बहुत लोग अच्छी तरह से जानते हैं और नहीं जानते हैं आप में से भी नहीं जानते होंगे बहुत लोग तो हम आपको बता दें कि यह जो बवासीर होती है बहुत डेंजरस बीमारी होती है बवासीर। तो बवासीर के लिए ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी मानी गई है इसको इस्तेमाल कैसे करना है प्रयोग कैसे करना है वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए दोस्तों तो अगर आपको कहीं यह मिलती है तो इसको ले आना और रख लेना ये बहुत ही चमत्कारी मानी गई है दोस्तों यह जो खींचली है ना सांप की इसको आप बवासीर में ला सकते हैं काम में और बवासीर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बस काम को आपको यह करना है इसको ले आना है और इसको किसी बर्तन में जला लेना है जला के इसको राख कर लेना है दोस्तों राख करने के बाद में इसमें आप दो से तीन टिकियाँ आपको कपूर की लानी है और इसी में आपको उसको मिक्स कर लेना है और आपको उसमें मिक्स करने के बाद में एक चम्मच लगभग नीम का तेल और डालना है नीम का तेल को तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपको उस जगह लगाना है सोते टाइम जहाँ आपके मसे हैं दोस्तों यकीन मानिए अगर आप इसको लगाते हैं बावसि कैसी भी हो खूनी हो चाहे फिर वादी हो दोनों के लिए एक रामबाण का काम करती है यह कैचुली दोस्तों इसको आप नियमित रूप से लगाइए जैसे कि शाम को लगाते हैं और उसके बाद में आपको सो जाना है लगाने के बाद में शाम को आपको सो जाना है और सुबह देखना है बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों अगर आप कंटिन्यू रेगुलरली इसको लगाते हो दस से बारह या पंद्रह दिन तो दोस्तों आपकी जो बवासीर है खूनी हो चाहे वादी हो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से दोस्तों टोटके होते हैं वो हम बताएँगे लोग कहते हैं कि इसको अगर आप मिल जाए तो माला माल हो जाते हैं लोग या लखपति हो जाते हैं दोस्तों इसमें मैं बिल्कुल भी कोई सहमत नहीं हूँ अब मैं नहीं मानता या फिर आप कितना मानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए यह मेरी जानकारी है या नहीं है दोस्तों जैसे कि किसी को डर लगता है या फिर किसी को नज़र लग गई है तो दोस्तों ये घरेलू नुस्खा है हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दें तो, तो किसी को नज़र लग गई है और कोई चल नहीं रहा है चल नहीं पा रहा है वो तकलीफ है पूरी तरह से तो कहते हैं अगर इसकी नज़र गड़ा बना के काले कपड़े में इसको बांध के अगर उसके गले में टांग दिया जाए तो उसको नज़र बिल्कुल भी नहीं लगती है और वो बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है उसे तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है अगर इसका आप इस्तेमाल करते हो तो किसी व्यर्द की सलाह ज़रूर लें दोस्तों तो इससे क्या होता है हमें एक नॉलेज मिल जाती है जिससे हमें बहुत कोई डर नहीं लगता है इस्तेमाल करने में